1954, टोक्यो। एक आदमी फ्लाइट से उतरता है, एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद अपना पासपोर्ट कस्टम्स में दिखाता है और वहाँ का पूरा स्टाफ वो देखकर चौंक जाता है। उस आदमी के पास टॉरिड नाम के एक देश का पासपोर्ट था, एक ऐसा देश जो हमारी इस दुनिया के नक्शे में कहीं पर है ही नहीं। ये प्रूव करने के लिए कि वो इंसान टॉरिड से ही था, उसने अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज़ के आगे रख दिए। बैंक स्टेटमेंट्स, होटल रिजर्वेशंस, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सब डॉक्यूमेंट्स पर देश था टॉरिड। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सब होटल्स में कॉल किया गया, बैंक्स को कॉन्टैक्ट किया, तब उस आदमी की कोई भी डिटेल्स किसी भी जगह पर मिली ही नहीं। जैसे ये इंसान हमारे जैसे ही किसी और दुनिया से अचानक लैंड हो गया हो। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एक दिन अचानक वो जिस जगह ठहरा था वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। वो इंसान जैसे इस दुनिया में आया था वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये कहानी एक फिक्शन बुक द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में लिखी है, लेकिन ऐसी कई और कहानियाँ हैं जो एक अलग दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन क्या ये सब सच में हो सकता है? आखिर क्या है पैरेलल यूनिवर्स का राज? पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नया नहीं है, बल्कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र कई बार किया गया है। एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वो जानते थे कि हनुमान जी यमराज को उन तक आने नहीं देंगे, इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और दरार में घुस गए। पराशर संहिता के चैप्टर 53-54 के अकॉर्डिंग हनुमान जी को वहाँ ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला था। ये सारी अंगूठियाँ श्री राम की ही थी। इस कहानी के अकॉर्डिंग श्री राम का अपनी अंगूठी को नीचे गिराना और हनुमान जी से कहना कि उसे वापस लेकर आए, ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये इंसिडेंट बार बार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। 2015 में चाइना के लोगों ने बहुत ही मिराकुलस इंसिडेंट विटनेस किया। एक दिन आसमान को चीरते हुए लोगों को एक शहर दिखाई दिया, एक लंबी इमारतों वाला शहर जिसने ज़मीन पर एक भयानक साया छोड़ दिया। कई लोकल सिटीजन्स ने आसमान से निकलते इस शहर को विटनेस किया और फिर कुछ ही पलों में वो पूरा शहर जैसे उसी आसमान में गायब हो गया। कई लोग इस बात को फाटा मोरगाना यानी मिराज कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उस दिन 2015 में चाइना में शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया था और वो शहर शायद किसी और ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्स, जब हम ये शब्द सुनते हैं तब हम अक्सर डॉक्टर स्ट्रेंज या द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसी फिक्शनल मूवीज़ को इमेजिन करते हैं, जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट पहले बुराई का सामना नहीं कर पाता, उसकी दुनिया बर्बाद हो रही होती है, फिर एक दिन वो किसी और पैरेलल रियलिटी में पहुंच जाता है और वहाँ वो एक सुपर हीरो है जो दुनिया को बचा लेता है। अभी तक हम सबको ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन ही लगता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज की डेप्थ में जाएं, तो शायद ये सिर्फ फिक्शन ना हो। डॉक्टर मिचियो काको, एक मशहूर फिजिसिस्ट का मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो हकीकत में हम सब की वर्चुअल कॉपीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अलग डिसीजंस ले रही हैं, अलग कर्म कर रही हैं और अलग जिंदगी जी रही हैं। लेकिन मिचियो काको का कहना है कि इन रियलिटीज़ की वजह से शायद कोई भी इंसान यहाँ इस ब्रह्मांड में क्राइम कर सकता है और फिर दूसरे यूनिवर्स में अपनी पैरेलल लाइफ जीने जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दूसरे ब्रह्मांड में उसे उस क्राइम का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस थ्योरी में और भी कई माइंड ब्लोइंग डिटेल्स हैं। मैक्स टेगमार्क MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स चार तरह के हो सकते हैं। टाइप 1, इस प्रकार के पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। ये यूनिवर्स बिल्कुल हमारे ही यूनिवर्स की तरह है, यही ग्रेविटी, यही लॉज, हमारे जैसी ही दुनिया, हमारे जैसा ब्रह्मांड, लेकिन ये इतने दूर हैं कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े बाजार में हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग आपसे बहुत दूर खड़े हैं, इतनी दूर कि आप उन्हें देख नहीं सकते और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे ही टाइप 1 यूनिवर्स में भी हम दूसरे ब्रह्मांड से इतने दूर हैं कि उसे देख नहीं सकते, जिस वजह से हमारे पास उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइप 2,
पिछले यूनिवर्स की ही तरह ये यूनिवर्स भी बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की ही तरह है, लेकिन यहाँ माना जाता है कि ये यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड हो रहा है। तो टाइप टू हमसे इतनी दूर है कि हम ना तो वहाँ कोई मैसेज भेज सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं, और ऐसा यूनिवर्स हमसे हर रोज़ तेज़ी से और भी दूर जा रहा है। ये दोनों यूनिवर्स हमारी ही दुनिया की तरह है, बस एक दूर है और दूसरा और दूर जाता जा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे यूनिवर्स में भी आप जी रहे हो, वहाँ भी शायद आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो। टाइप थ्री, ज़रा सोचिए, आपकी लाइफ की हर चॉइस के लिए एक यूनिवर्स है। सोचिए आप एक जंक्शन पर खड़े हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं। आप यहाँ एक रास्ते को चुनते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपने उस दूसरे रास्ते को चुना होता है। ऐसे ही टाइप थ्री पैरेलल यूनिवर्स में हमारी सारी चॉइसेस पूरी होती हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में। ये पैरेलल यूनिवर्स मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी को समझाता है, जहाँ हर चॉइस का एक वर्ल्ड है। तो सोचिए अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को और हर उस चॉइस को जो आपने नहीं ली। अगर आप वो रास्ता चुनते तो आज कैसी होती आपकी ज़िंदगी, या यूँ कहें कि कैसी चल रही होगी आपकी ज़िंदगी किसी और यूनिवर्स में। टाइप फोर, इस प्रकार के यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स के लॉज नहीं लगते। तो ये यूनिवर्स जैसे कि एक जादुई दुनिया है, जहाँ ऊपर नीचे का पता नहीं होता और समय आगे पीछे चलता है, जहाँ ग्रेविटी उल्टा काम करती है, या फिर वहाँ ग्रेविटी होती ही नहीं है और हम सब हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश की थी। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसका मानना है कि जब हम किसी पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हैं तो वो एक्चुअल में किसी यूनिवर्स में हो रही होती है। तो हमारी सोच, हमारे दिमाग में मौजूद थॉट्स और सारी पॉसिबिलिटीज, ये सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड्स में हमारी रियलिटीज़ हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि देजा वू, यानी एक ऐसी फीलिंग जब आपको लगता है कि कोई सिचुएशन पहले भी हुई है, वो फीलिंग का मतलब शायद ये है कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन आपके यूनिवर्सल ट्विन ने पहले भी एक्सपीरियंस की है। पैरेलल यूनिवर्स शायद सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं है, बल्कि इसके कई एग्जाम्पल्स भी दुनिया विटनेस कर चुकी है। और कई साल पहले इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई बार बताया गया है। पुराणों के मुताबिक देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक और यमलोक, ये सारे लोक एक कलेक्टिव विश्व को बनाते हैं जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स में 14 लोकों या दुनिया के बारे में भी बताया गया है। उनके मुताबिक 7 लोक आसमान में हैं और 7 लोक ज़मीन के नीचे। पैंगल उपनिषद जैसे अलग अलग उपनिषदों में भी एंडलेस नंबर्स ऑफ मैक्रोकॉस्मोस या ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में भी अलग अलग ब्रह्मांडों या लोकों का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार से देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड चक्र में घूमती है और विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि के आने से लगभग 4,32,000 साल बाद एक दुनिया के अंत का समय आ जाता है। तो पैरेलल यूनिवर्स और पैरेलल रियलिटीज शायद एक काफ़ी रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इस समय जब आप यहाँ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद किसी और दुनिया में आप कुछ और कर रहे हों। वेल, एटलीस्ट फिजिक्स और हमारे स्क्रिप्चर्स तो यही कहते हैं। सुनने में फैसिनेटिंग लगा, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अनसुनी, अनदेखी एंड अनकही कहानियाँ।